गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रभा सोनी, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंग्लिश ग्रामर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ जेंडर. आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 6 में जेंडर पढ़ेंगे. जेंडर मतलब होता है लिंग. द वर्ड जेंडर रेफर वेदर समवन इज़ मेल और फीमेल. तो जो जेंडर यानी लिंग शब्द होता है उसका तात्पर्य होता है कि कोई जो वर्ड है वो मेल है या फीमेल. मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला. ठीक है, कि जो वर्ड है वो पुरुष जाति का है या महिला जाति का है. तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. यहाँ पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. लुक हियर. कॉलम ए में, कॉलम बी में, कॉलम सी और कॉलम डी में. ओके, तो अब हम देखते हैं ये जो कॉलम्स में जो पिक्चर्स दी हुई हैं वह कौन से जेंडर को बताती है. ठीक है, तो फर्स्ट लिखा इन द अबोव पिक्चर यू सी दैट. फर्स्ट द वर्ड्स अंडर कॉलम ए रेफर टू मेल मेंबर. तो जो कॉलम ए में जो वर्ड है वो मेल मेंबर को बता रहे हैं यानी पुरुष जाति को. तो देखिए क्या है, कॉलम ए में एक बॉय है, ठीक है, और कॉक है. तो क्या बता रहा है, ये वर्ड जो है पुरुष जाति का है. ओके, सेकेंड इज द वर्ड्स अंडर कॉलम बी रेफर टू फीमेल मेंबर्स. जो कॉलम बी में जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जिसे लिखा है गर्ल और हैन, तो ये क्या है, फीमेल, फीमेल वर्ड्स, फीमेल को बताते हैं. द वर्ड्स को अंडर कॉलम सी रेफर टू बोथ मोल मेल और फीमेल मेंबर्स. तो जो कॉलम सी में है उसमें लिखा हुआ पेरेंट्स और फ्रेंड्स. तो ये जो पिक्चर है वो बताती है कि वह मेल या फीमेल दोनों को बताती है. ठीक है, कि वह मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. कॉलम डी, कॉलम डी में क्या है, द वर्ड्स अंडर कॉलम डी रेफर टू लाइफलेस थिंग. जो कॉलम डी में जो वर्ड्स है वो लाइफलेस थिंग मतलब निर्जीव वस्तु को बताता है जिसमें जान नहीं होती, जैसे पेन बोट जो निर्जीव होते हैं. ओके, थस ए नाउन मे हैव. तो जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज मैस्कुलाइन, सेकेंड इज फेमिनिन, थर्ड इज कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर. तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग, और फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग. कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसक लिंग. ओके, तो इस तरह से जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं. अब इन 4 टाइप्स के जो जेंडर है इस चैप्टर में इसकी कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो उस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द पेयर्स. इसमें आपको मैचिंग करनी है. मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दिए हुए हैं, इसको मैचिंग करनी है. जैसे किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन. ओके, सर का मैडम, फॉक्स का विक्सन, ड्रैग का डक, बॉय का गर्ल, अंकल का आंट. ओके, तो किंग का क्या होता है, क्वीन, सर का मैडम, फॉक्स का विक्सन, ड्रैग का डक, बॉय का गर्ल एंड अंकल का आंट. इस तरह से आप इनकी मैचिंग कर देंगे. सेकेंड इज सम नाउन्स आर गिवन बिलो इन द बॉक्स, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड राइट देम इन द प्रॉपर कॉलम. यहाँ पास कुछ जेंडर वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको करेक्ट कॉलम में आपको राइट करना है. ठीक है, कि कौन सा जेंडर मैस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, फिर कॉमन है, फिर न्यूटर है. ओके, तो मैस्कुलाइन मतलब जो
पुरुष जाति का बोध कराता है। अब फेमिनाइन मीन्स जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ओके, तो मैस्कुलाइन में हम राइट करेंगे जैसे हॉर्स, नेफ्यू, किंग, डॉग और सन, सर। ये क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। फेमिनाइन में मेयर, नीज, क्वीन, बीच, मैडम, ये क्या है, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब है कॉमन जेंडर, जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं कॉमन, जैसे इसमें मिनिस्टर, एनिमी, कुक, क्रू, ये क्या होंगे, कॉमन नाउन के जेंडर होंगे। न्यूट्रल जेंडर मतलब जो लाइफलेस थिंग, लाइफलेस होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट, स्नैक, स्कूल, फ्लाई, चाइल्ड। अब यहाँ पे आप स्नैक, स्नैक क्या है, सांप है ना, तो लेकिन सांप तो उसमें जीवन होता है, लेकिन होता है, लेकिन क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, तो इसलिए हम स्नैक को भी हम न्यूट्रल जेंडर में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन। यहाँ पर क्या करना है, आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो रेड कलर से जो वर्ड्स लिखे हैं उसका जेंडर चेंज करना है। बस जैसे लिखा है माई ब्रदर इज एन एक्टर, तो जो ब्रदर का, ब्रदर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर, और एक्टर का क्या हो जाता है, एक्ट्रेस। तो उस वर्ड्स को चेंज करके राइट कर देना, जैसे माई ब्रदर इज एन एक्टर, तो आप लिखोगे माई सिस्टर इज एन एक्ट्रेस। ठीक है, बी द किंग लव द प्रिंसेस वेरी मच, किंग का अपोजिट, किंग का जेंडर क्या हो जाएगा, क्वीन, तो द क्वीन लव्ड द प्रिंसेस का क्या हो जाएगा, प्रिंस, प्रिंस वेरी मच। सी द काउ इज द मदर ऑफ कॉल्स, काउ का क्या हो जाएगा, बुल, तो द बुल इज द मदर का फादर, फादर ऑफ कॉल्स। ओके, डी आवर डॉटर वांट्स टू सी योर वाइफ, डॉटर का क्या हो जाएगा, सन, आवर सन वांट्स टू सी योर वाइफ का क्या हो जाएगा, हस्बैंड, तो आवर सन वांट्स टू सी आवर हस्बैंड। इस तरह से बच्चों आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और उसे बुक में ही फिल करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।